जय हिंद दोस्तों। जंतर मंतर पर जो 23 जुलाई को आंदोलन होने वाला है, पता नहीं संसद भवन का घेराव होने जा रहा है, उस पे लेटर लिखा गया है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से, 4 जुलाई 2023 को लेटर लिखा गया है। और इसमें जो कहा गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और रक्षा सचिव को कहा गया है। इसमें सचिव महोदय को भी कहा गया है DSW के। तो इसमें जो कहा गया है कि क्या मजबूरी है कि हम संसद भवन का घेराव करने जा रहे हैं, ये सब्जेक्ट दिया है कि पूर्व सैनिक की विसार रैली व प्रदर्शन की सुनवाई नहीं हो रही है, संसद भवन का घेराव और जेल भरो आंदोलन की मजबूरी क्या है ये बताई गई है। तो ये लेटर भेज दिया गया है, इसमें क्या जानकारी दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें कहा गया है, मान्यवर आपको प्रेषित हमारा पत्र संख्या, इन्होंने जो भेजा था 13/6/2023 का पत्र संख्या है, उसमें सारी अपनी बातें लिखी गई हैं। मान्यवर हमारे वर्ग के 97% गैर अधिकारी पूर्व सैनिकों से जुड़ी समस्याओं व सुविधाओं के संबंध में वह भी सरकार के समक्ष यही पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण पेंशन व ओआरओपी, MSP, विकलांगता पेंशन, सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य सुविधाओं में भारी विषमताएं उत्पन्न हो चुकी हैं। संदर्भित पत्रानुसार 9 अप्रैल 2023 को भारत के सैकड़ों पूर्व सैनिकों के संगठन के लाभों, सैनिकों और वीर नारियों के समर्थन से गैर अधिकारी पूर्व सैनिक यानी कि JCOR वीरांगनाओं के कल्याण हेतु फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का गठन किया गया था, जिसका पंजीकरण प्रक्रियाधीन है। लाखों पूर्व सैनिक वीर नारियों वीरांगनाओं से जुड़ी मांगों के समाधान हेतु फेडरेशन द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2023 से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने के संचालन के साथ साथ दिनांक 3 अप्रैल 2023 को जिलाधीशों के माध्यम से, दिनांक 30 अप्रैल 2023 को माननीय सांसदों के माध्यम से, दिनांक 30 मई 2023 को देश के सभी तहसीलदार व SDM के माध्यम से मांगों का ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री को दिया जा चुका है। दिनांक 2 जुलाई 2023 को भारत के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना और भूख हड़ताल भी आयोजित की गई थी। बड़े दुख की बात है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि फेडरेशन अधिक संख्या लाखों गैर अधिकारी पूर्व सैनिकों वीरांगनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, अतः इस वर्ग से जुड़ी समस्याओं लाभों के संबंध में केवल फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन प्रतिनिधिमंडल से ही वार्ता कर समस्याओं के समाधान की प्रार्थना की गई थी। इसमें कहा गया, लंबे समय से अनुशासित और लोकतांत्रिक तरीके से हम सरकार से मांगों का संज्ञान लेने का आग्रह कर रहे हैं। अफसोस की बात है, लोक कल्याणकारी सरकार राष्ट्र रक्षा को समर्पित रहे लाखों पूर्व सैनिकों को उनका हक नहीं दे रही है। लंबे समय से अनुशासित और लोकतांत्रिक, इसमें ये कहा गया है कि युद्ध विधवाओं तक को भी उनको वंचित किया गया है। इसी संदर्भ में फेडरेशन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 23 जुलाई 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर महारैली का आयोजन किया जाए, जिससे देश भर के सभी पूर्व सैनिक संस्थाएं सम्मिलित होंगी तथा एक कोशिश करेंगी जिससे कि केंद्र सरकार हमारी मांगों पर संज्ञान ले सके। अगर 23 जुलाई सुबह तक सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं मिलता है तो हमें मजबूरन संसद भवन के अनिश्चितकालीन घेराव के लिए आगे बढ़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगर इस दौरान कोई भी कानून व्यवस्था इत्यादि की विषम स्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार पूर्णतया उसकी जिम्मेदार होगी। बड़ी बात कही गई है। एक बार फिर इस ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग आपके संज्ञान हेतु रख रहे हैं। उच्च न्यायालय के 3 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की कमेटी बनाई जाए और उसके संदर्भ की शर्तें हमारी मांगे हों, वह 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करें। पुनः आग्रह करते हैं कि अति शीघ्र हमारे प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हेतु स्थान, तिथि निश्चित
की जाए, मांगों का समाधान का रास्ता निकाला जाए। ये फेडरेशन ऑफ वेटरन्स के अध्यक्ष हैं सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर, जिन्होंने ये लिखा है और ये बिल्कुल सही किया है, क्योंकि जो आंदोलन 23 जुलाई को होने वाला है वो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि पूर्व सैनिक संसद भवन का घेराव करेंगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा इसलिए होने जा रहा है कि सरकार की तरफ से 150 दिन होने के बाद भी अभी तक सरकार ने कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया है, अपना एक कोई भी नुमाइंदा तक नहीं भेजा है, ना अभी तक सरकार ने कोई इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।